पंचायत चुनाव के तहत शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। एसपी आर राजकुमार के साथ साथ पुलिस के वरीय पदाधिकारी एक एक मतदान केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतदान केंद्र की व्यवस्था देखने और ग्रामीणों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लोहरदगा एसपी आर राजकुमार ने लोहरदगा जिले के सेहा थाना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान चाऊ, अलौदी, अरू, टोंडार एवं आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए स्नेहा थाना प्रभारी सूरज प्रसाद को जरूरी निर्देश भी दिए। ग्रामीणों से एसपी ने मुलाकात कर पंचायत चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों से भयमुक्त माहौल में मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर है, ऐसा सिटी एसपी ने कहा। साथ ही आगे कहा कि हम सभी के संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को हमें हर हाल में लेना चाहिए और एक बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने के लिए हम सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान की प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। चुनाव के लिए आने वाला पंचायत थर्ड फेज के पंचायत चुनाव के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का कोऑर्डिनेशन से पूरी तैयारी हो रही है। फोर्स डिप्लॉयमेंट और स्ट्रेटेजिक डेस्क के डिप्लॉयमेंट हम सब हो जाएगा और सारा सीनियर ऑफिसर्स और हम खुद और सारा पर्सन सिटी बिल्डिंग्स वगैरह को निरीक्षण और अगर कर व्यवस्था को मॉनिटर कर रहा है लगातार। और लोगों से यही अपील है, आइए वोट करिए, आइए आपका अधिकार है, इसको अच्छी तरह से यूज़ करिए और भयमुक्त होकर वोट करिए। किसी के दबाव में आकर वोट करना है, भयमुक्त होकर वोट करिए और शांतिपूर्ण ढंग से मतलब समाज के साथ शांति रखते हुए लोग इसको। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।